अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, क्लास 9 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय, इसका पार्ट 2, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर मैं हाजिर हूं। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है इसे देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर दोबारा वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। पेज नंबर 72 से पार्ट 2 स्टार्ट होता है एट लास्ट। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से ट्रॉय एक मजबूत जरखेज तिजारती शहर था, जो चारों तीन तरफ से दीवारों से और बैक साइड से पहाड़ से घिरा हुआ था। पहाड़ों से निकलने वाली नदियों और झरनों की वजह से वहां की मिट्टी बहुत जरखेज थी, यानी एक खुशहाल शहर था। लेकिन पेरिस, वहां का शहजादा ग्रीस के बादशाह की बीवी को अपने साथ भगा लेकर आता है, जिसकी वजह से ग्रीस का बादशाह और शहजादे उन पर हमला कर देते हैं और शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जंग 10 साल तक जारी होती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, यहां तक के ट्रोजन्स अपने शहर में कैद रहकर थक जाते हैं और जो ग्रीक्स होते हैं वो अपने शहर, अपने घर, अपने बच्चों को मिलने के लिए तरस जाते हैं। लेकिन जंग जारी रहती है, उस जंग के अंदर उनके बहुत सारे बहादुर सिपाही और सरदार मारे जाते हैं, यहां तक के उन वहां का ट्रॉय का शहजादा पेरिस भी अपने आप को कत्ल कर देता है, लेकिन जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि उस जंग का नतीजा क्या निकलता है। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय आर्ट्रिक, आखिरकार ट्रॉय पर फतेह हासिल की गई ताकत के जरिए नहीं बल्कि होशियारी ट्रिक के जरिए। इट वॉज द किंग ओडिसियस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री, ये था ओडिसियस, एक चालाक होशियार सरदार जिसने जो है जीत हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। अब उसने कहा कौन सा प्लान बनाया, उसने अपने सरदार से या अपने बादशाह से कहा कि लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, हमें एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाना चाहिए, लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाना चाहिए। ही सेड बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, इतना बड़ा कि उसके अंदर जो है आदमी इंसान जो है तो उसके अंदर हम बैठा सके, यानी इंसानों को उसमें बैठा सके, इतना बड़ा हमको एक घोड़ा बनाना चाहिए लकड़ी का। एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर हाइड इन द हॉर्स, और हमारे कुछ बहादुर सिपाही जो है बेस्ट फाइटर्स जो है उसको उसमें छुपाना चाहिए। देन लेट अस बर्न आवर टेंट एंड द प्रिटेंडेड टू सेल अवे इन आवर शिप, फिर हम क्या करेंगे कि हमारे खेमों को हम जला देंगे और यहां से सेल अवे वापस जाने का बहाना करेंगे, मतलब दिखावा करेंगे कि हम यहां से चले गए अपने खेमों को जलाकर। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, वापस जाने की बजाय हम रात में वापस आएंगे। When the Trojans are asleep, we will attack their city, the city and the burn and kill. और हम रात में वापस आएंगे, जिस वक्त में ट्रोजन्स गहरी नींद में सोए हुए होंगे, हम उन पर हमला करेंगे, शहर को जला देंगे और उन लोगों को कत्ल कर देंगे। ये उसने प्लान अपने बादशाह को बताया। The Greek leader decided to follow the advice of the wise Odysseus. तो उनका जो लीडर था उसने ओडिसियस के इस बात को, इस प्लान को जो एडवाइस को मानने का फैसला किया। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय स्किलफुल इंजीनियर, तो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा एक माहिर इंजीनियर्स के जरिए बनाया गया। एंड द ग्रेटेस्ट हीरो मेनेलियस ओडिसियस हिमसेल, और उनके जो बहादुर सिपाही थे, जो बहादुर सरदार थे, मेनेलियस भी ओडिसियस के साथ साथ अदर उसके अंदर दाखिल हुए, मतलब उस घोड़े के अंदर दाखिल हुए। द लास्ट मैन टू गो इन being the architect himself who knew the secret of opening and the shuttering the entrance, और आखिर शख्स जो उस घोड़े के अंदर दाखिल हुआ वो उसका आर्किटेक्ट, मतलब उसको बनाने वाला था, जिसको उसका राज पता था कि घोड़े के अंदर दाखिल किधर से होना है और उससे बाहर कैसे निकलना है। That evening the Greeks burned their tent and sailed away in their ship, but they did not go very far. बाद में फिर क्या किया, शाम में उन्होंने अपने टेंट्स खेमों को जला दिया और समंदर में वापस चले गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गए। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी, उन्होंने एक आदमी वहां पर छोड़ा था ताकि वो ट्रोजन्स को इस घोड़े को उनके शहर ट्रॉय के अंदर ले जाने के लिए राजी कर सके, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को छुपा रखा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन
द ट्रोजन वॉक आउट एक्सपेक्टिंग टू गो आउट ऑफ फाइट। दूसरे दिन रोजाना की तरह जब वो जागे, अब उनका मामूल हो गया था, दिन निकलता था बाहर निकलकर वो जंग करते थे, वो उम्मीद करते हुए एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 ईयर, यानी 10 साल से जो काम कर रहे थे, नींद में से उठना और बाहर जाकर जंग करना, तो यही उन्होंने सोचकर वो जागे। व्हाट डिलाइटेड एंड सरप्राइज, लेकिन क्या खुशी और हैरान करने वाला मामला दे फेल्ड, उन्होंने महसूस किया एट द साइट दे सॉ ऑन द शीशोर आउटसाइड द वॉल। जब उन्होंने अपनी दीवार पर खड़े रहकर समंदर के किनारे का मंजर देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश हुए। क्यों? इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सेक वाज ओवर एट लास्ट, कि आखिरकार उन्होंने देखा कि जो मुआसरा था, जो सेक था, जो घेराव था ग्रीक्स का, वो खत्म हो चुका था। द टेंट हैड बीन बर्न, उनके खेमे जल रहे थे। द शोर वाज डिजर्ट, और जो समंदर का किनारा था वो वीरान हो चुका था। द ग्रीक शिप हैड ऑल गोन, और समंदर के अंदर एक भी ग्रीक्स का शिप वहां पर मौजूद नहीं था, सब जा चुके थे। ये मंजर उन्होंने अपने दीवाल, मतलब जो दीवार थी उनकी, उस पर से देखा। इट्स पीस एट लास्ट, आखिरकार अमन हो गया। दे क्राइड, वो खुशी से चिल्लाए, एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड कम आउट इन द लार्ज नंबर ऑन द प्लेन। फिर बाद में उन्होंने अपने उस दरवाजे को खोला और भारी तादाद में तमाम लोग अपने उस गेट से बाहर आए। ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लेस, अब वो बहुत खुश थे कि अब वो पहले की तरह आजाद है अपनी मर्जी से गेट के अंदर आने और जाने के लिए, या कहीं भी आने जाने के लिए। देन दे सॉ ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स, अचानक उन्होंने फिर वहां रेत के ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा देखा। इंडीड अ वंडरफुल पीस, दे गैदर्ड राउंड इट इन एस्टोनिशमेंट, मतलब वो उसके पास हैरानी से जमा हो गया। मतलब उन्होंने जब वो लकड़ी का घोड़ा देखा तो हैरत से वो चारों भी उस घोड़े के चारों सिंध में जमा हो गए। फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कारागिरी का वो नमूना था। वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, एक जो है तो बेहतरीन कारागिरी का वो नमूना उनको नजर आया, वो लकड़ी का एक जो बड़ा सा घोड़ा जो ग्रीक्स वहां छोड़कर गए थे। एज दे वेर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैज बीन बिल्ट एंड व्हाई इट हैज बीन हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, तो अब वो ये सोचकर भी परेशान थे कि उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया, और इतना खूबसूरत और इतना बड़ा घोड़ा बनाया तो वो उसे यहां छोड़कर क्यों गए, ये बात सोचकर वो हैरान थे। दे फाउंड अ ग्रीक्स विद हिज हैंड टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट, उन्होंने देखा कि घोड़े के नीचे ग्रीक्स, एक यूनानी शख्स जिसके हाथ बंधे हुए थे, पड़ा हुआ पाया। When the Trojan dragged him out, जब उसको बाहर निकाले, the man pretended to be very frightened of them, तो वो आदमी उनके सामने बिल्कुल डरने का, खौफजदा होने का जो है तो नाटक करने लगा, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़कर इसलिए गए थे। यानी वो ऐसा नाटक करने लगा कि जैसे वो बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, खौफजदा है। तो when he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, जब उससे पूछा गया कि ग्रीस अचानक क्यों चले गए और इतना बड़ा घोड़ा वो यहाँ छोड़कर क्यों गए, तो ही प्रेटेंडेड, उसने ड्रामा किया, उसने नाटक किया, दिखावा किया। पेज नंबर 73। टू ट्रेम्बल, यानी कांपने का, यानी थर थर कांपने लगा। वेरी मच एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और बोलने से इंकार किया। व्हेन एट लास्ट दे थ्रेटेंड टू किल हिम, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उसको जान से मारने की धमकी दी, तो ही स्पोक एंड टोल्ड देम देयर फॉल्स टेल, तो जब उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुझे जान से मार देंगे, तो फिर उसने ये झूठी कहानी बताई। उसने कहानी क्या बताई वो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप, मतलब वो जंग, उसने कहा कि जो यूनानी थे, जो ग्रीक्स थे, वो जंग लड़ लड़ के आखिरकार थक चुके थे और सेल्ड अवे इन देयर शिप, इसलिए वो अपने जहाजों में बैठकर वापस चले गए। ही सैड बट दे आर एफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वे होम टू, लेकिन उन्हें वापस जाने का, यानी समंदर के इस लंबे सफर का डर भी था। एंड सो दे हैव मेट द हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, तो अब समंदर के सफर से हिफाजत के लिए, समंदरी देवता को खुश करने के लिए उन्होंने ये घोड़ा बनाकर इस देवता को प्रेजेंट करने के लिए यहां छोड़कर चले गए। दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफरिंग मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, वो मुझे भी समंदरी देवता के सामने बलि चढ़ाना चाहते थे। बट आई एस्केप एंड हाइड फ्रॉम देम, लेकिन मैं वहां से फरार हो गया और मैंने अपने आप को छुपा लिया। नेक्स्ट, बट व्हाई डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, उन्होंने पूछा कि लेकिन उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया, अगर उनको प्रेजेंट देना था, समंदरी देवता को कुछ देना ही था, तो वो छोटा भी बना सकते थे, इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। सम ऑफ ट्रोजन आस्क, एक ट्रोजन ने पूछा।
एंड द कनिंग ग्रीक्स मेड इज रिप्लाई, तो उस चालाक ग्रीक्स ने अब जवाब दिया, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग, अगर वो छोटा सा बनाते यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी, तो आप उस घोड़े को अपने शहर में लेकर चले जाते, देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स, और फिर वो खुशकिस्मती आपके साथ आ जाती, ट्रोजन्स के साथ आ जाती, एंड नॉट टू द ग्रीक्स, बल्कि ग्रीक्स के साथ नहीं, बल्कि उसकी जो खुशकिस्मती थी वो तुम्हारे साथ चला जाता, सो दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट, तो उन्होंने इसलिए उसको इतना बड़ा बनाया कि वो आपके गेट के अंदर दाखिल ना हो सके, बाहर ही रहे, और जो किस्मत है, जो खुशकिस्मती है, वो ग्रीक्स के साथ ही रहे, ट्रोजन के साथ ना जाए। द ट्रोजन्स वेयर डिलाइटेड टू हियर दिस, यानी ये सुनकर ट्रोजन बहुत खुश हुए, द ग्रीक्स हैव गॉन, के ग्रीक्स तो जा चुके हैं, दे सेड एंड द वॉल आर नो लॉन्गर नेसेसरी, अब हमें इस दीवार की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन, तो इस दीवार के अंदर जो है तो सुराख किया जाए, इतना बड़ा सुराख किया जाए और इस घोड़े को अंदर ले जाया जाए, देयर वाइज प्राइस वॉन्ट डैम नॉट टू डू सो, उनका जो समझदार अकलमंद जो प्राइस था, जो पुजारी था, उसने ऐसा करने से उनको मना किया, इट मे बी ट्रिक्स, उसने कहा ये उनकी होशियारी भी हो सकती है, चालाकी भी हो सकती है, डेट विल रेन अस, जो हमें तबाह कर सकती है, रेन मतलब तबाह करना, बर्बाद करना, ही सेड यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स, यानी अगर आप दीवार को तोड़ते हो तो ऐसा समझो यू ब्रिंग द डिजास्टर, मतलब आप तबाही को अपने शहर के अंदर ले जा रहे हो, घोड़े को अपने शहर के अंदर नहीं ले जा रहे हो बल्कि तबाही और बर्बादी को अपने शहर के अंदर ले जा रहे हो, बट दे वेयर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड, लेकिन वो सब इतने जोश में थे, इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने उस अकलमंद पुजारी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर किया, दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन द ऑर्डर टू टेक द हॉर्स इन, तो उन्होंने अपनी उस मजबूत दीवार को तोड़कर जो है उस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले गए। ऑल दैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड एंड ड्रैंक एंड द सेलिब्रेटेड, सारा दिन अब ट्रोजन्स जो है दावतें करते रहे, उसके बाद शराब पीते रहे, जश्न मनाते रहे, मतलब उन ग्रीक्स के जाने का वो दिन भर जश्न मनाते रहे, आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू द स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली, उसके बाद जब सेलिब्रेशन जश्न खत्म हो गया तो वो सब गहरी नींद में सो गए, बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय आवर नाइट ऑफ टेरर एंड द डेड, लेकिन जो खुशियों वाला दिन था, उस खुशियों वाले दिन कि जो रात आने वाली थी वो खौफ और मौत की आने वाली थी, द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल्ड फॉर, क्योंकि जो ग्रीस के जहाज थे वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, एज सून एज दे वेयर हिडन बाय एन आइसलैंड, उन्होंने जैसे ही उन्होंने एक आइसलैंड देखा, एक जजीरा देखा, उन्होंने वहां अपने आप को छुपा लिया था, दे हैड लोअर्ड देयर सेल एंड ड्रॉप एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट, उन्होंने वहीं अपने एंकर डाल दिए थे और रात का जो है वो इंतजार कर रहे थे, इन द डार्कनेस यानी उस अंधेरे में द फ्लीट जो बेड़ा था, जो जहाज का बेड़ा था सेल्ड बैक, वो वापस आया, एंड लीडिंग शिप यानी जो जहाज जो उनको लीड कर रहा था, विच वॉज एगेमेनस, जो एगेमेनस का था, गोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, तो उसने अपने जहाज के सुतून पर से एक लाल कलर का लाइट चमकाया, द ग्रीक्स वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ फ्लीट, मतलब जो ग्रीक्स जो अपने उन साथियों के वापसी का इंतजार कर रहे थे, क्रैप टू द वुडन हॉर्स, और जो घोड़े के अंदर छुपे हुए थे, एंड गिव द सिग्नल, उन्होंने उनको सिग्नल दिया, मतलब कि वो वापस आ गए हैं इस बात का, द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन द ग्रीक्स क्लाइम आउट एंड ओपन द गेट्स, तो जो घोड़े में छुपे हुए जो सिपाही थे, जो बहादुर लोग थे, जो सरदार थे, वो उन्होंने घोड़े को ओपन किया और बाहर निकलकर दीवार जो है तो ऊपर चढ़कर उन्होंने जो उनका बड़ा मजबूत गेट था उस गेट को खोला, द होल ग्रीक्स आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, तो वो जो आर्मी थी ग्रीक्स की, यूनान की जो फौज थी, वो पूरी की पूरी उस शहर के अंदर दाखिल हो गई, इमीजिएटली द ग्रीक्स, पेज नंबर 74, और जल्द ही उन यूनानियों ने सेट फायर द हाउस एंड टावर्स एंड द पैलेसेस एंड द बिगन टू बर्न एंड किल, उन्होंने जल्दी जल्दी जो है तो घरों को,
उसके साथ साथ में टावर्स को, महलों को आग लगाना शुरू किया और मारना शुरू किया। मतलब अंदर दाखिल होते से डायरेक्ट उन्होंने उन ट्रोजन्स के ऊपर हमला कर दिया जो जश्न में थक हार कर, शराब पीकर, खा पीकर गहरी नींद में सो रहे थे। तो उन्होंने उनके घरों को, महलों को, टावर्स को जलाना शुरू कर दिया और ट्रोजन्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. तो जो ट्रॉय था उसका जो मंजर था वो इस तरह से नजर आ रहा था कि आंख के शोले उठ रहे थे, उसके साथ साथ में चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उसके साथ साथ में जो है हथियार चलने की आवाजें आ रही थी, रोती हुई औरतों के चिल्लाने की आवाजें, ये सारा मंजर वहां ट्रॉय में नजर आ रहा था। द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स, उन आवाजों को सुनकर जब ट्रोजन्स अपने बिस्तर से बाहर आए, बट दे वेयर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए वो हैरान हो गए। देयर एनिमी वेयर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, दीवार के पास उनके दुश्मन जो ये सोचे हुए थे कि वो जो वापस जा चुके हैं वो दीवार के सामने खड़े हुए थे, उनके एनिमीज खड़े हुए थे। एंड मेनी ऑफ ट्रोजन्स वेयर किल्ड, बहुत सारे ट्रोजन्स मारे गए। बिफोर दे पुट ऑन देयर आर्म्स एंड सीज देयर वीपन्स, इससे पहले कि वो अपने जर्रे बख्तर या हथियारों को हाथ लगाते, उससे पहले बहुत सारे ट्रोजन्स को जो है ग्रीक्स ने मार गिराया। अ ब्राइट लिट अप लाइट लिट अप द नाइट स्काई एज अ पैलेस एंड द हाउसेस टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट अप इन द फ्लेम्स, मतलब जो रोशनी थी महलों की, घरों की, टावर्स की, अब वो आग की शुआओं में बदल चुकी थी। एट द ट्रोजन्स फाइट एज वेल एज दे कुड, ट्रोजन्स ने भी जितना वो लड़ सकते थे, जितना मुकाबला वो कर सकते थे, उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार था क्योंकि उन पर अचानक हमला हो चुका था और वो हमले के लिए तैयार नहीं थे। ओल्ड किंग प्रीमियम ऑस्किल विथ ऑल हिज ब्रेव सन, जो बादशाह था प्रियम वो अपने तमाम बहादुर बेटों के साथ मारा गया। एक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड द सिस्टर वेयर कैरिड ऑफ एज अ स्लेव बाय द कंक्वेयर, तो जो हेक्टर्स था उसकी बीवी, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन को फतेह की निशानी के तौर पर गुलाम बनाकर अपने साथ जो है तो ग्रीक्स वालों ने ले आया, कैरी ऑफ उनको अपने साथ लाया। देयर फैट वॉज इन कॉन्स्ट्रेक्ट ऑफ हेलेंस वेयर द किंग्स मेनेलस रश थ्रू द सिटी, उनकी जो किस्मत थी वो हेलेन के जैसी नहीं थी जिसको मेनेलस हर जगह शहर में ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, और आखिरकार वो उसे महल में नजर आ गई। मतलब जो मेनेलस थी उसकी जो बीवी थी, मेनेलस की जो बीवी हेलेन थी वो उसको हर जगह, मेनेलस जो था वो उसने हेलेन को हर जगह तलाश किया और आखिरकार वो उसे महल में नजर आ गई। She hung her head in shame and sorrow as she faced her former husband. जब उसका husband, former husband, माजी जो शोहर था उसके सामने आया तो शर्म के मारे उसने अपने सर को झुका लिया। Her voice was choked with emotion, और जज्बात की वजह से, दर्द की वजह से उसकी आवाज choked हो चुकी थी, मतलब उसके सामने वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। And she could not speak, वो बोल नहीं सकती थी। But मिनेलियस फॉर योर हर, उसने उसको माफ कर दिया। जब उसने हेलेन को पाया, हेनेलस ने शर्म के मारे अपने सर को झुका लिया और उसको पछतावा हुआ तो मिनेलस ने उसको माफ कर दिया। एंड शी वेंट बैक विथ हिम, और वो उसके साथ वापस आ गई। फॉर इट वॉज ओनली एप्रोडाइट हु हैड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड, मतलब मिनेलस ने उसको माफ कर दिया, हालांकि वो उसकी जिम्मेदार थी जिसने जो है अपना मुंह फेर लिया था, उसने घर से, अपने आदमी से, अपने शोहर से, अपने बच्चे से, यानी ये तमाम चीजें होने के बाद भी मिनेलस ने जो है तो हेलेन को माफ कर दिया और उसे अपने साथ वापस ले आया। इसलिए जो है तो उसने कहा कि उसकी जो है मिनेलस की ऐसी किस्मत उसके एक्टर्स की वाइफ, उसकी माँ और उसकी बहनों की नहीं थी जैसी इसकी थी, क्योंकि इसको माफ करके उसने दोबारा अपने साथ रानी बनाकर उसे वापस ले आया। When morning came, जब सुबह आई, nothing was left of the proud rich city, तो उस अजीम, ताकतवर, मजबूत शहर में कुछ बाकी नहीं था, that had resisted attack for 10 years, ये 10 साल की मजामत लड़ाई का नतीजा था, यानी जो 10 साल तक ये जंग जारी रही, उस 10 साल की जंग का नतीजा ये निकला,
कि आखिरकार वो ट्रॉय शहर जो इतना मजबूत था, दीवारों से घिरा हुआ था, पहाड़ पीछे की साइड में पहाड़ उसको सिपाही बन का पहाड़ उसकी हिफाजत कर रहा था, उससे बहने वाले नदियां झरनों की वजह से मिट्टी जरखेज थी, ऐसा शानदार अजीम शहर अब तबाह वो बर्बाद हो चुका था एक छोटी सी चालाकी की वजह से और ट्रोजन्स की बेवकूफी की वजह से। फॉल ट्रॉय ऑफ ट्रॉय हो चुका था, मतलब वो बर्बाद हो चुका था। तो ये था पार्ट टू का एक्सप्लेनेशन। तो यहां हमारा पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।